रतनगढ़ में आम जन द्वारा बेतरतीब ढंग से चल रहे सीवरेज कार्य को लेकर की गई शिकायत पर पालिका प्रशासन द्वारा गुरुवार की शाम शीतला रोड पर सामान को जब्त करने के बाद आज RUIDP के अधिकारी हरकत में आए तथा उन्होंने नगर पालिका प्रशासन के साथ लगभग 4 घंटे तक बैठक करके समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत के साथ RUIDP के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता कृष्ण कुमार अग्रवाल, XEN RD गर्ग, AEN ओम प्रकाश बैरवा व प्रोजेक्ट मैनेजर LNT ब्रिजेश चतुर्वेदी के बीच लगभग 4 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद 11 बिंदुओं पर सहमति बनी। पालिका अध्यक्ष सारस्वत ने बताया कि शहर में LNT द्वारा तोड़ी गई नालियों का पुनः निर्माण करवाया जाएगा व पानी के कनेक्शनों को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा जहां कार्य हो चुका है वहां रखे सामान का निस्तारण किया जाएगा व जो भी कार्य अब तक सीवरेज के संदर्भ में हुआ है उसमें जो त्रुटियां रही है उसे दुरुस्त किया जाएगा। वहीं हर सप्ताह नगर पालिका प्रशासन के साथ RUIDP के अधिकारी एवं LNT कंपनी के अधिकारी बैठक करके व्याप्त सभी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। RUIDP और LNT के अधिकारियों के साथ आज शहर में जो सीवरेज लाइन का कार्य है उसमें जो अनियमितताएं बरती जा रही है उससे संबंधित बातों पर विचार विमर्श हुआ और आमजन की तकलीफ को देखते हुए उस पर संज्ञान लेते हुए इस बात पर सहमति बनी है कि आगामी 15 दिनों में उन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। विशेषकर जो टूटी हुई सड़कें हैं और पेयजल की पाइपलाइन है उसे दुरुस्त किया जाए, इस बात पर जोर दिया गया। पालिका अध्यक्ष के साथ आज किस सब्जेक्ट को लेकर बैठक हुई और किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है? रतनगढ़ कस्बे में LNT द्वारा सीवरेज निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में कल दिनांक 5/1/2023 को श्याम मंदिर वाली गली के पास कार्य चल रहा था। वहाँ एक लीकेज पानी का था, उस लीकेज के साथ साथ ही रोड का काम किया जा रहा था। चेयरमैन साहब वहाँ पहुँचे और उनका कहना ये था कि लीकेज पहले ठीक किया जाए उसके बाद रोड का काम किया जाए। इस बिंदु को लेके आज नगर पालिका में भी चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग हुई है और इसमें ये तय हुआ है कि जहाँ इस तरह की बातें होती हैं वो बातें ना हो और काम को नियमानुसार और सुचारू रूप से किया जाए। किन बिंदुओं पर सहमति बनी है सर और क्या आप साप्ताहिक बैठक करेंगे? साप्ताहिक बैठक चेयरमैन साहब और EO साहब के साथ करते रहेंगे जिससे भी कहीं पे कहीं कोई कमी चल रही हो वो सबकी निगाह में आ जाए और काम अच्छे ढंग से हो जिससे कि आम जन को इस कार्य का पूरा फायदा मिल सके। चूरू जिला कलेक्टर को शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। नगर मंडल के अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने बताया कि पिछले दिनों उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं चूरू के आम लोगों ने धर्म स्तूप के निकट टूटी पड़ी सड़क की मरम्मत के लिए ज्ञापन दिया था जिस पर इसकी मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, परंतु संबंधित फर्म के द्वारा उक्त स्थान पर गड्ढे खोदकर एवं घटिया गिट्टी डालकर ऐसे ही छोड़ दिया गया है जिससे यह मार्ग आवागमन में बाधित हो गया है। इस मौके पर जिला प्रवक्ता मनोज शोपुरा, मंडल महामंत्री चंद्रप्रकाश शर्मा, विक्रम सहारण आदि मौजूद थे। पिछले काफी दिनों पहले प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ हम लोगों ने सहयोग रूपी फूली सड़कों के लिए ज्ञापन दिया था। अच्छा, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, वैसा का वैसा मामला पड़ा है सारा। अब स्थिति यह है कि घंटाघर से लेकर नटराज होटल तक स्थिति ऐसी है कि कोई निकल नहीं सकता। एक दफा यातायात हो रहा है, सड़कें चूरू में दो है, नई सड़क पुरानी सड़क, एक सड़क का पूरा एक साल से लगातार वैसी वैसा हाल है। इस हेतु हमने आज भी ज्ञापन दे रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चयनित रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं के सुधार हेतु गठित केंद्र सरकार की 4 सदस्यीय समिति आज शाम रतनगढ़ जंक्शन पर पहुंची। समिति के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पवन गुरावा, सीनियर DCM बीकानेर डिवीजन अनिल रैना, CMI रणजीत व ADEN श्रीचंद पूनिया के जंक्शन पर पहुंचने पर
पार्षद नंद किशोर भार्गव, खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री राम बूबना, विष्णुदत्त चौधरी सहित कई लोगों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। समिति के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए और अधिक सुधार के लिए उपस्थित लोगों से सुझाव मांगे। इस दौरान पार्षद भार्गव ने 4 नंबर प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाने, स्टेशन पर डिस्प्ले बोर्ड लगवाने, स्टेशन पर लिफ्ट लगवाने, प्लेटफॉर्म पर बने शेड का विस्तार करवाने एवं अतिरिक्त शेड बनवाने, फुट ओवर ब्रिज बनवाने, स्टेशन भवन को आधुनिक बनवाने सहित कई मांगों का उल्लेख किया गया है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जो है स्टेशनों की विजिट करने के लिए जो है सीपीएम साहब के साथ में आए हैं, और इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग ये 15 स्टेशन जो है हर डिवीजन से आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें बीकानेर के भी 15 स्टेशन हैं, उसमें से रतनगढ़ 1 स्टेशन जो है वो हम उस स्कीम में स्कीम के तहत जो है आइडेंटिफाई किया गया है। और हम लोगों का आने का उद्देश्य ये था कि आप लोगों के साथ मिल करके हम लोग जो है आपके सुझाव स्टेशन बेसिकली उस स्कीम के तहत जो है हमें यात्री सुविधाओं के अंतर्गत जो है वो सुधार करना है स्टेशनों पे, और वृहद लेवल का बड़े लेवल का जो है सुधार हम लोग चाहते हैं। तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों से भी जो आइडियाज़ जो अभी हम आप लोगों ने हमें दिए उनको भी हम रेलवे के साथ रेलवे जो प्लानिंग करेगा उन आइडियाज़ को इसमें शामिल करते हुए स्टेशनों का सुधार कार्य करवाया जाए। अपने सुझाव दिए ये उस प्लान में जो है शामिल करते हुए जो है बृहद प्लान बनाया जाएगा और स्टेशन का डेवलपमेंट जो है फेज मैनर में किया जाएगा उस स्कीम के तहत। और आज रेलवे के रेलवे अधिकारियों के द्वारा और जो ये बजट आएगा स्टेशन के रतनगढ़ स्टेशन के लिए स्पेशल रूप से उसके लिए बड़े लोग अधिकारी आ रहे हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं कि यहाँ मूलभूत सुविधा के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से करना है अपने को, इन सभी बातों को देख करके वो अभी आ रहे हैं निरीक्षण करेंगे। तो इसमें मुख्य 4 पॉइंट तो अपने ये हैं, पहले बहुत ही रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पे 1 नंबर से लेकर 4 नंबर प्लेटफॉर्म तक कोच डिस्प्ले का, और दूसरा पॉइंट है वाटर पीक वाला जो ट्रेनें आती हैं उनमें पानी भरने के लिए, और तीसरा पॉइंट हमारा 5 नंबर प्लेटफॉर्म को अति शीघ्र से शीघ्र उसकी स्वीकृति जारी की जाए, चौथा पॉइंट हमारा ये है मीटर गेज की लाइन के टाइम में जो वॉचिंग लाइन थी पुनः वही हमारी मांग है, ब्रॉड गेज परिवर्तन होने के बाद में अभी तक हमारे यहाँ वॉचिंग लाइन स्थापित नहीं की गई है, जो कि अति शीघ्र से शीघ्र और वॉचिंग लाइन स्थापित कराई जाए। धन्यवाद। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने आज वार्ड संख्या 40 में 5 लाख की लागत से बनी नवनिर्मित सीसी सड़क का निरीक्षण किया। सभापति सैनी ने कहा कि कांग्रेस के राज में राज्य में विकास कार्यों को प्राथमिकता से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी सत्ता में आए हैं विकासशील योजनाओं से आम जन को लाभ पहुंचाते हैं, इनके राज में जनता ने हमेशा राहत महसूस की है। सभापति सैनी ने कहा कि इस वार्ड में 20 साल बाद 5 लाख की लागत से बनी सीसी सड़क का निर्माण हुआ है, सड़क के साथ नालियों का भी काम करवाया गया है। वार्डवासियों में सड़क बनने पर खुशी की लहर है। इस अवसर पर असलम खोकर, इकबाल खिलजी, रमजान खिलजी आदि मौजूद रहे। आज वार्ड नंबर 40 के अंदर करीब 5 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क जो है बनाई गई है, और उस सड़क का आज पार्षदों की टीम के साथ में निरीक्षण किया गया, जिसमें कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति में रहने वाले कार्यकर्ता असलम जी खोकर अपनी धर्मपत्नी सहित अपने कार्यकर्ताओं के सहित जिन्होंने आज इस रोड के बनने के ऊपर स्वागत सत्कार किया, जिसके लिए वार्डवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। करीब 20 साल के बाद में ये जो रोड है आज बनकर तैयार हुई है, और बहुत लंबी रोड जो है बनी है, और सभी वार्डवासी जो है इससे प्रसन्न है। साथ में नाली का भी काम करवाया गया है। चुरू कांग्रेस के द्वारा ऐसे ही आगे भी विकास के कार्य करवाते हम रहेंगे। जिन वार्डों के अंदर सड़कें लंबे समय से नहीं बन रही है, हमारा ध्येय यही है कि हम उन वार्डों के अंदर जो है सड़कें बनाएं ताकि लंबे समय तक लोग जो है उनका आवागमन सुलभ रहे। सरदारशहर के स्थानीय ताल मैदान में पक्षियों के लिए बनाए गए चुग्गे घर का लोकार्पण आज उप प्रधान केशरी चंद शर्मा व नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने फीता काट कर किया। इस दौरान पार्षद शोभागान स्वामी ने बताया कि ताल में लोग प्रातः घूमने आते हैं और जगह जगह पक्षियों के लिए चुग्गा डाल देते हैं, जिससे आवारा कुत्ते पक्षियों को अपना शिकार बना लेते हैं। इस समस्या को देखकर बसंत कुमार सोनी की प्रेरणा से व झाबरमल सोनी के आर्थिक सहयोग से चुग्गा घर का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर महावीर माली, शंभुदयाल पारिक, चंपालाल झींगा आदि उपस्थित रहे।
रतनगढ़ के वार्ड संख्या 16 के पार्षद रामकिशन माटोलिया ने आज ईओ अभय कुमार मीणा को ज्ञापन देकर सब्जी विक्रेताओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। पार्षद ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि पुलिस चौकी के पास सब्जी विक्रेताओं के लिए ठेले लगाने हेतु स्थान निर्धारित है, लेकिन ठेला संचालक उक्त स्थान को छोड़कर अतिक्रमण करते हुए पूरी सड़क पर बेतरतीब ढंग से ठेला लगा रहे हैं, जिससे रोड जाम रहने से वाहन चालक काफी परेशान है। साथ ही इनके द्वारा कचरा फैलाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे रोड पर सफाई व्यवस्था में भी परेशानी आती है। हमारे वार्ड नंबर 16 में अभी पिछले 2 सालों से ये जो गनेडिया मंदिर के सामने जो रोड है और जो 2 नंबर पुलिया तक है, वहाँ पर क्या है कि वो 20 फुट की रोड है। उस 20 फुट के रोड पर ही सब्जी जो विक्रेता हैं, जो हाथ ठेला लगा के वहाँ पर अपनी दुकानदारी करते हैं, इससे क्या है कि मोहल्लेवासियों को बहुत ही परेशानी होती है और बराबर उनको कहने के बावजूद भी वो वहीं पर ठेला लगाते हैं, जिससे क्या है कि आमजन को समस्या का समाधान करना समस्या होती है वहाँ पे। और जो बरसात आ जाती है तब हमारे पीछे इस गली के अंदर से ही सारी ट्रैफिक है वो आती जाती है, जिससे कई बार तो जाम की स्थिति हो जाती है। इसलिए कई बार हमने मौखिक रूप से भी नगर पालिका प्रशासन को कहा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं, आज यो साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनका जो आटे लगा के जो अतिक्रमण कर रखा है, इसको निश्चित रूप से हटाएंगे, हमारी यही मांग। तारानगर के ग्राम गुगटिया चाणान के सार्वजनिक स्थान बालाजी मंदिर में गुरुवार को गांव महात्मा गदड़वास व गुगटिया चाणान की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। ग्राम इकाई अध्यक्ष जयसिंह आयतान की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक ध्वजारोहण कर शुरू की गई। बैठक में तीनों गांव के किसान व महिलाएं उपस्थित हुई। इस दौरान आयतान ने संघ की रीति नीति की जानकारी देते हुए गौ आधारित जहर मुक्त जैविक खेती करने की बात कही। वहीं मौके पर उपस्थित महिलाओं व किसानों ने उप तीनों गांव की नरेगा में की गई मजदूरी के पैसे दिलवाने, गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिए जाने, श्रम विभाग में शुभ शक्ति व छात्रवृत्ति के पेंडिंग आवेदन को स्वीकृत करवाए जाने, राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में जुड़वाने आदि ज्वलंत समस्या सामने रखी। चार दिन चला दी और पूरी साल ही चली जा साल है। चार दिन चलाए गए, पैसा नहीं आ रहा हमारा। माटी पूरी कर गिरावे और मिस टोला में चढ़ावे को नहीं। 50-60 रुपया दे के मिस टोला में चढ़ावे को नहीं। 50-60 रुपया दे के 40-50 रुपया जा यह दे के बुला दिए। कम नहीं चल रही है हमारो। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारा मांग सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए, विचार किया जाए। हमारे गांव में जो पहले 23 योग्य किसानों को मकान दिए गए थे वो रोक दिए गए हैं, उनको चालू करवाया जाए। वो जरूरी है, योग्य है, पात्र है। और दूसरी यह है कि हमारे जो प्रधानमंत्री योजना से नल योजना है घर घर में कनेक्शन होने की, हमारे विधायक साहब ने ग्राम पंचायत डाणी कुमारान को छोड़कर बाकी पंचायतों में सब जगह काम करवाया है और हमारी पंचायत में कहीं भी काम नहीं करवाया है, एक भी पैसे का मात्र काम नहीं करवाया है। निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हमारी मांग को पूरी की जाए। कलेक्टर साहब जी, हमारी सुनाई करो गरीबों की थोड़ी। अरे हमारी नरगा नहीं चल रही है, जरूर है जो नरगा चलनी चाहिए, हमारी सुनाई होनी चाहिए। लोग को बंद हो रही है 3 साल से। अरे गरीब आदमी थोड़ी सुनाई मारी करिए। मकान कणक लैटरिन बाथरूम का पैसा आना चाहिए। 220 रुपया लिखवा दे, 50-60 रुपया इतना ऊपर आवे को नहीं। काम पूरा काम करवा लग रहा, माटी पूरी से डाल लग रहा, माटी पूरी पूरी गिरवाण लग रहा, सारा सारो काम करवा लग रहा। 220 रुपया से डुआ दे, 50-60 रुपया फिर भी 10 साल के मां 5-4 दिन काम चला में। 5-4 दिन काम चला में अभी तो चल रहा को नहीं। अठो तो मन कह देगा इतना ही चला और चल रहा नहीं, लागर पूरा भेज दे। 3 साल पूरी नहीं हो रही है। हाँ, मकान कौन है हमारा, कणक भी कोटा ही कणक कौन मिला के हाजरी पूरी होनी, तो हाजरी पूरी होने ही कौन लगावे ही कौन, तो करा क्या हाजरी।
सरदारशहर तहसील के गांव देरासर निवासी राजेंद्र कुमार लखोटिया ने आज सड़क पर मिला 3,65,000 रुपए का सेल्फ चेक लौटा कर ईमानदारी का परिचय दिया है। लखोटिया ने बताया कि आज सुबह करीब 11 बजे उसे कृष्णा बस स्टैंड पर पीएनबी के नाम का 3,65,000 रुपए का सेल्फ चेक मिला, जिसे उसने असली हकदार तक पहुंचाने के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया। थोड़ी देर बाद जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त चेक मुख्य बाजार में स्थित बर्तन व्यवसायी चोरुमल भिवानिया की दुकान का है, तो लखोटिया ने बबलू भिवानिया को अपनी दुकान पर बुलाकर उक्त चेक सौंप दिया। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 11वें स्थापना दिवस पर आज चूरू में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील कुमार अग्रवाल ने चूरू क्षेत्र में बैंक का लेखा जोखा सामने रखा, वहीं बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए जारी स्कीम की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक मोहन कुलदीप, वरिष्ठ प्रबंधक सुमेश पोटलिया, मार्केटिंग मैनेजर गुमान सिंह शेखावत आदि उपस्थित रहे। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज 6 जनवरी 2023 को स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हमने ये बताया कि हमारी बैंक की कुल शाखाएँ 878 हैं, 21 जिलों में हम कार्यरत हैं। राजस्थान के 21 जिलों में 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से एक क्षेत्रीय कार्यालय चूरू है। चूरू के अंतर्गत 88 शाखाएँ कार्यरत हैं और कुल व्यवसाय हमारा चूरू क्षेत्र का 4,254 करोड़ का दिसंबर में हो गया है और हमारा NPA 6.92 करोड़ का है, जो कि कुल बकाया अग्रिमों का मात्र 0.31% ही है। चूरू के भर्ती अस्पताल रोड स्थित यूको बैंक का 80वां स्थापना दिवस आज बैंक के अधिकारियों वह उपभोक्ताओं ने केक काटकर मनाया। इस दौरान शाखा प्रबंधक महेंद्र ने विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राहकों से सहयोग की अपेक्षा रहती है, इसलिए ग्राहक भी बैंक के लिए अपना सहयोग समय समय पर देते रहते हैं। इस अवसर पर जितेश ज्वाला, शाखा प्रमुख मनील कुमार सोनी, राकेश कुमार आदि उपस्थित रहे। आज 6 जनवरी 2023 को हमने यूको बैंक की चूरू शाखा में 80वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर हमारे शाखा के कई सम्मानित ग्राहक उपस्थित रहे और सारा स्टाफ और सब लोगों ने मिलकर हंसी खुशी से मनाया। इस अवसर पर हमारे शाखा प्रबंधक श्रीमान जितेश जी ने कई बैंक की जानकारियां दी और उनकी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी। भाजपा शहर मंडल रतनगढ़ के तत्वाधान में आज सूर्य सिनेमा हॉल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी व पूर्व पार्षद मोतीलाल सोनी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर माता हीराबेन व सोनी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने अपने संबोधन में कहा कि माँ ही होती है जो व्यक्ति के जीवन में संस्कारों का निर्माण करती है। हीराबेन का सात्विक जीवन हम सबके लिए प्रेरणास्पद है। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारिक, वासुदेव चाकलान आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। चूरू के गांव सिरसली के एक घर में आज 55 वर्षीय महिला चक्कर खाकर चूल्हे पर गिर गई, जिससे उसके हाथ पैर बुरी तरह झुलस गए। परिवार के लोगों ने उसे निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। चूरू के लोसना बड़ा गांव में अपने दोस्त से मिलने आए व्यक्ति की आज संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के महेंद्रगढ़ तहसील के श्यामपुरा गांव का 35 वर्षीय जयवीर सिंह लोसना बड़ा गांव के अपने दोस्त बलवीर सिंह से मिलने 2 दिन पहले आया था। 2 दिनों से जयवीर सिंह अपने दोस्त बलवीर सिंह के साथ था। आज सुबह 8 बजे के आसपास अचानक जयवीर सिंह की तबीयत बिगड़ी तो बलवीर ने एम्बुलेंस को सूचना दी। जयवीर को एम्बुलेंस से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों की माने तो प्रथम दृष्टया युवक की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है।